Hello everyone. Thank you, Arunima. So I hope you all are here well in place for this particular session, and we expect this session should be useful for you and you must get some takeaways from this session. So without wasting any further time, I would quickly switch to our next slide. So first of all, I would like to take you to the objectives of the program, right? And I want to make this session as the most interactive session you have ever attended. So I want your answers in checkbox. Okay. So first of all, we start with objectives. First of all is to know yourself, because psychology is all about knowing yourself first. It begins from yourself. Then to know various study options, which we at SDSU offer. To know various career opportunities, how to set your professional goal, how to know your inner quest. What is that? This is the biggest question these days, you know, and to address various work-life issues easily. So these are some objectives around which our session will revolve. So what is the right way? Ab isko karne ka sahi tarika kya hoga? Right? To ek choti si activity se hum isko start karte hain. I request all of you to center yourself. अब सेंटर योरसेल्फ का मतलब ये है, यू विल हैव टू जस्ट क्लोज योर आईज फॉर फ्यू मोमेंट्स. कुछ सेकंड्स के लिए हम अपनी आंखें बंद करेंगे एंड यू जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन. ओके, सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें हल्के से बंद कर लें. फोकस ऑन योर हार्ट, अपने हृदय की तरफ अपना ध्यान लाएं. अब इसमें हम गहरे और गहरे उतरते हुए चले जाएं. अपना कनेक्शन अपने हार्ट में, अपने अंदर फील करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू गाइज. आई होप आप लोगों ने सेंटरिंग किया और आप सब अपने अंदर तक पहुंच पाए हैं, अपने हार्ट को कनेक्ट कर पाए हैं. कोई भी एक दो लोग मुझे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या आप पहुंच पाए थे, सेंटर हुए आप. ओके, सो सुनील ने लिखा, वेरी गुड, थैंक यू. यस संजीव, व्हाई वी नीड सेंटरिंग आवरसेल्व्स, हमको क्यों जरूरत है सेंटरिंग की. मैं देख रही हूँ भावना, दृष्टिपाल, सुधा, सभी ने लिखा. एक्चुअली इस दुनिया में जब हम बहुत सारे टारगेट्स को लेके चलते हैं या बहुत सारी चीजों के साथ में जब हम बिजी हैं, वी मिस दिस कनेक्शन विद आवर इनर सेल्फ. इसी के लिए ही जब हम कोई भी चीज करने जा रहे हो या किसी भी चीज में हमको होना है, वो सबसे पहले छोटी सी एक्टिविटी एक करनी है, जस्ट टू बी आवर सेल्फ. तो हम अपने आप से कनेक्ट करेंगे, सेंटर होंगे, और सेंटर होने के बाद फिर अब हम इस एक्टिविटी को आगे लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज एंड आई होप सच रिस्पॉन्सेज इन द होल सेशन, ड्यूरिंग द होल सेशन. सो नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन. आप सबको पता है कि साइकोलॉजी का डिमांड बहुत ज्यादा है, हर कोई साइकोलॉजी के कोर्सेज करना चाह रहा है. अगर आप पोल देखेंगे जो हेल्थ पोल्स हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आधे से ज्यादा दुनिया अभी साइकोलॉजिकल इश्यूज की शिकार है. अगर आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यू आर गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल वन. व्हाई? बिकॉज यू हैव क्लाइंट्स. आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो किसी ना किसी कारण से परेशान हैं, और ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी खुद से शुरू होकर खुद पे खत्म होने वाली हैं, पर क्योंकि इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो ये सिचुएशंस प्रॉब्लमेटिक होते हैं. तो क्या है वो अलार्मिंग सिचुएशंस? क्या आप बता सकते हैं कि आज के लाइफस्टाइल में अभी ऐसा क्या हो गया है कि छोटे बच्चे से लेके और एक बुजुर्ग तक, अगर हम ये पूरा स्पेक्ट्रम देखें, तो लोगों को क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या क्यों साइकोलॉजी का ट्रेंड बढ़ रहा है? जस्ट टू थ्री आंसर्स आई विल लाइक टू टेक. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. मोबाइल एडिक्शन, डिप्रेशन, ओवर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बताया जा रहा है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. Along, okay, lack of patience. Right. So, very correct.
सोशल इश्यूज। पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर करूं कि जो सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट आपको किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन के लिए जरूर मिलेगा, राइट। दूसरी बात, यही हमको समझना है कि व्हाट इज अवर नीड एंड व्हाट इज अवर एक्चुअल डिमांड, है ना। इसमें थोड़ा सा हमको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब जब हमको ये अलार्मिंग सिचुएशंस मिल गए हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा ये अलार्म कब है, या कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमको वॉच करने की जरूरत है, और हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई कैन सी योर ऑल रिएक्शंस एंड दी आंसर्स, तो इसका मतलब है कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, या एरिया ऑफ फोकस क्या है जिसपे हमको ध्यान देना है, राइट। तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इट इज जस्ट दैट यू नीड अ प्लेटफॉर्म, या फिर कोई अच्छा काउंसलर, या फिर कोई एक ऐसा कोर्स जो आपको इसकी जानकारी दे, जिससे आप दूसरों को भी मदद कर पाए। सो दीज कोर्सेज आर नॉट ओनली मेंट फॉर योर ओन अपब्रिंगिंग और योर ओन सर्टिफिकेशन और दी यू नो डिग्रीज, लेकिन हमको ओके फाइन। सो आई थिंक मोनिका, आई एम गोइंग टू रिपीट दी लाइंस इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, राइट। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम्स, एंड वी नीड टू नॉट ओनली हेल्प आवर सेल्स बट ट्राई टू हेल्प अदर्स एज वेल। अगर आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा, एक कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हम सभी जानते हैं, वी ऑल आर अवेयर विद द टर्म कॉन्शियसनेस, एंड देर इज अनादर टर्म दैट्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक दूसरा है जिसमें हम सबको साथ लेके, सबकी कॉन्शियसनेस को एक साथ लेकर बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी कोर्सेस करें वो हमारा तो स्किल बढ़ाए, शुड इंक्रीज अवर स्किल, शुड एड सम फेदर्स इन अवर करियर, एज वेल एज इट शुड एड टू दी सोसाइटी, ये दूसरों को भी हेल्प करने में सहायक हो। सो आई थिंक आई एम क्लियर इनफ टू ऑल ऑफ यू। अब पहले हम देखते हैं व्हाट इज द नीड, नीड क्यों है हमें ये समझने की कि वी आर डाइवर्स पीपल। हमको ये समझना जरूरी है, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, इन अदर वर्ड्स, ईच वन इज यूनिक, हर कोई यूनिक है ना, हर कोई अपने आप में खास है। तो एक छोटा सा हम यहाँ पे एक पर्सनैलिटी ट्रेट के ऊपर बात करते हैं, विच इज अ डिस्क मॉडल। एंड डिस्क मॉडल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। तो एक छोटे से क्वेश्चन से फिर से मैं शुरुआत करती हूँ। देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत बात करते हैं, जिनको हम कह सकते हैं टॉकर्स, द वन हु टॉक, वी कैन कॉल देम एज टॉकर। एंड द वंस हु ऑलवेज लिसन ऑन द अदर हैंड, यू नो, आर नोन एज लिसनर्स। जो सुनते हैं हम उनको कह सकते हैं लिसनर। तो आप लोग मुझे बताएंगे क्विकली, आप में से कौन है जो टॉकर्स कैटेगरी में आते हैं और कौन है जो लिसनर कैटेगरी में आते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन द कैटेगरी ऑफ टॉकर, हु टॉक्स एंड हु आर द गुड लिसनर्स, वेयर वी कैन सी कि एक बात करता है और दूसरा अच्छे से सुनता है। अब कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हु इज मोर इम्पॉर्टेंट? क्या आप बता सकते हैं कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉकर या लिसनर? जस्ट राइट इन योर चैट बॉक्स। मोनिका, बोथ मे बी, ओके, बोथ, बोथ, फाइन, ओके, फाइन फाइन, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज। नाउ आई विल टेक टू द नेक्स्ट सेट ऑफ द ट्रेट्स, दैट इज आई वॉज एट दी पीपल हु इन द फैमिली और इन एनी रिलेशनशिप दे ट्राई टू कीप बोथ दी साइड्स यू नो कनेक्टेड। ऐसे घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो घर के बाकी लोगों को जोड़ के रखने का काम करते हैं। तो ऐसे कौन से होते हैं, अगर हम मदर, फादर, डॉटर, ब्रदर में एक रिलेशन लेके चलते हैं, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन होता है? हु अकॉर्डिंग टू यू इज द वन इन फैमिली ऑफ द फोर, दीज फोर? जस्ट टू और थ्री रिस्पॉन्सेस। सो यस Yes. अरुणिमा, कैन यू The टेल मी? responses are mother, mother, mother. Like three people have responded to ओके, the सो यू same ऑल अग्री विद मी, फॉर मी ऑल्सो इट्स अ मदर। सो हम सबके लिए ये मदर ही है मोस्ट केसेस में। दैट इज अनदर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शी इज नॉट अ टॉकर नॉर शी इज अ लिसनर, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जो एक कॉम्बिनेशन है, ये तीसरा, इन इन दिस मॉडल वी कॉल देम एज दी वन हु कनेक्ट्स ईच अदर, या वन अनादर, जो दूसरों को जोड़ के रखते हैं, राइट।
So me, why I am explaining all this? Because we need to understand that everybody is unique. ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं यहाँ पे समझने की कि हर कोई यूनिक है. और जो डिस्क मॉडल है ये मोटा मोटा ब्रॉडली इट टॉक्स अबाउट फोर टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, जिसमें कि डोमिनेंट पर्सनैलिटीज होते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज होते हैं, स्टेडीनेस जिनका है वो पर्सनैलिटीज हैं, एंड जिनका कंसेंशियसनेस है या जो केयरफुल लोग हैं वो एक टाइप होता है. मीनिंग टू से डिस्क मॉडल शोज और एनी अदर मॉडल फॉर दैट मैटर शोज ईच वन इज इम्पॉर्टेंट. हर एक इम्पॉर्टेंट है, हर एक का सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान होता है. ईच वन हैज अ क्रूशल यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, राइट? फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वॉट आर इंडिविजुअल नीड्स. फॉर मी वॉट इज राइट मे नॉट बी राइट फॉर यू. जो मेरे लिए सही है जरूरी नहीं कि वो आपके लिए सही हो. फाइन, इफ आई एम मैरिड आई कैन सी things from a different perspective, and if you are unmarried your goals may be different or your needs may be different, right? to humko ye samajhne ki bahut zarurat hai ki sabki individual needs hain aur un needs ke hisab se hi sabhi ka behavior hota hai. everybody's behavior is dependent on their needs, so we need to understand that. agar hum ek bar ye baat samajh jate hain, once we have understood this fact, then we can easily plan our goals ya hum We can understand others' goals as well. जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अपना भी गोल आसानी से चुन सकते हैं और हम दूसरों के गोल्स को भी समझने में मददगार हो सकते हैं, राइट? तो आपके हिसाब से आपका इंडिविजुअल नीड क्या है? आज आपको क्यों लगता है कि ये कोर्स करना चाहिए या ये वेबिनार आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अपना इंडिविजुअल नीड बताएं. प्लीज शेयर विद अस व्हाट इज योर इंडिविजुअल नीड फॉर अटेंडिंग दिस सेशन टुडे. Just one or two. Learning to help my students, okay, make future in psychology, right? So Megha, I would like to ask you that you want to make future in psychology, right? So do you have any other objective clubbed with this, which is hidden for now? Seekhna kabhi band nahi karna chahiye to improve my perspective about psychology. Okay. Hame har cheez aani chahiye for bright future. And I'm a health professional and this is very mandatory for me to go for this. Okay, fine. So I'm happy that you all know that you have some purpose to attend this particular webinar. Currently, I'm pursuing my master's. I want like a guide to go next. Fine. Very nice. Ab ek chota sa question hai. Is 8 better than 10? Aapke liye kya 10 se zyada achha 8 hai? Agar hum 10 ke scale ki baat karte hain to. इसके ऊपर आप आंसर्स लिखिए. इज 8 बेटर देन 10? है तो लिखिए क्यों, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यस और नो लिख सकते हैं. एंड जस्ट एक वन लाइन में उसका आंसर दे सकते हैं. यू कैन जस्ट गिव वन लाइनर टू सपोर्ट योर आंसर वेदर इट्स अ यस और नो एंड व्हाई. ओके, सो इट्स ऑल यस. ओके, 10 on 10. ओके. Okay, so just, you know, imagine a situation where you are negotiating for your salary in your job interview and you want them to give you 10Ks, just an imaginary figure, 10Ks. And when you say that 8 is better than 10, so that means you admit that you can accept even 8K as well. Is that? So no, it is not at all correct. It is just a situation. I was trying to get some, you know, some more opinion of yours through this. Basically, this is a mindset. ये एक हमारा mind का block है, जहाँ हम हमेशा excel होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें 10 में से 10 मिले, ना? और अगर वो 10 में से हमें 10 नहीं मिलता है, तो हम थोड़ा nervous होते हैं. और हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी थी. सो फॉर दैट आई जस्ट क्वाइंड दिस पर्टिकुलर लाइन हियर दैट इज 8 बेटर देन 10. ऑफ कोर्स 8 इज फार फार बेटर देन 10. 8 10 से ज्यादा अच्छा है. क्यों है अच्छा? बिकॉज आपको ये पता होगा, नो वन इज परफेक्ट इन दिस लाइफ. और जब हम परफेक्शन अचीव करना चाहते हैं, तो उस एक्सीलेंस को, उस परफेक्शन को करने के लिए जिस रास्ते पर हम चलते हैं, वी एक्चुअली रीच एट सम पॉइंट विच इज अ बेटर थिंग फॉर अस.
जो हम आज जहां पर हैं, फ्रॉम दैट इट्स अ बेटर थिंग. यू नो, सपोज यू आर एट 2, इन ऑर्डर टू अचीव 10 यू आर एटलीस्ट रीचिंग 8. सो रिस्पेक्ट वॉट एवर यू यू कैन टेक दिस सिचुएशन एज योर लाइफ सिचुएशन, वेयर वी हैव द इंटरेस्ट, वी आर देयर ऑल्सो टू अचीव समथिंग, बट देर आर सम ग्लिचेस, देर आर सम प्रॉब्लम्स विच कीप कमिंग, है ना. तो वी शुड नॉट लूज अवर पेशेंस, वी शुड एटलीस्ट एक्नॉलेज कि चलो हम पीपीटी में 5 स्लाइड्स में तो आ गए, इफ नॉट द होल ऑफ द प्रेजेंटेशन, एटलीस्ट वी कुड गेट समथिंग. सो दिस इज हाउ अवर अप्रोच चेंजेस. वंस द अंडरस्टैंडिंग इज देयर, जब हम एक बार समझ जाते हैं कि हाउ वी हैव टू मूव द लाइफ, हमको कैसे लेके चलना है अपने को आगे, इज रियली 8 बेटर देन 10, वट एवर आई हैव इज एक्चुअली द बेस्ट फॉर मी, ये सारी चीजें व्हेन वी अंडरस्टैंड, जब हम समझते हैं, लाइफ बिकम्स इजी. Next slide, please. So here I would like to take you that cheerful acceptance and the field of improvement is only, that's a question mark. So can you tell me what is the field of improvement or who is the field of improvement? Where is that? For cheerful acceptance, if I want to improve this and to accept this cheerful acceptance, where I have to work upon? Just write your answers in chat box. Awareness. Okay. Right. Confidence, okay. Simplicity, learn to say no. Learn to say no, okay. Okay, fine. So for me, the correct answer is you. So the correct answer is you. For cheerful acceptance, the field of improvement is where? कहां हम इंप्रूव कर सकते हैं या कहां हम कुछ चेंज ला सकते हैं, दैट इज ओनली यू. आप हैं वो या मैं खुद हूं वो, राइट. इट इज ओनली मी और इट इज ओनली यू वेयर द फील्ड ऑफ इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू अचीव दिस, व्हाट वी हैव टू गो, यू नो, वी हैव टू गो, आई मीन वी हैव टू गो थ्रू मेनी फेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट इज व्हाट इट इज, which I have written at in the first pointer, right? Accept the situation as it is. आज अगर मुझे कुछ problem है या मेरा 10 में से 10 नहीं आया है या मुझे relationship में कोई problem हो गया है या मेरे result में कुछ problem हो गया है, if I am not able to achieve a very good academic score, if I am not successful in my relationship because of some reason, if I am not that good looking, whatever is the reason, first of all, just accept it. And how you have to accept it? It should be a cheerful acceptance. Cheerful acceptance kab hoga? Khushi khushi hum us cheez ko accept kab kar payenge? When you come to know ki jo aapko mila hai, it is a blessing. Ye bahut kuch mila hai aapko. How? Ek chota sa instance lete hain. Choti bachchi baithi hui thi seedhiyon pe mandir ke bahar mein. And uska jo footwear tha, wo ek kho gaya tha aur ek hi bacha tha. A small little girl, she was sitting on the staircase of a temple, outside the temple, and her shoe was missing. One shoe was there, another was missing. Aur wo, she was just troubled. Bahut pareshan thi, usne God ko bhi kuch bhi bol diya, like, usko aisa laga, mere saath hi aisa kyun ho jata hai, abhi to naya shoe kharida tha, like that. What happens when she watches a person who doesn't have leg? Tabhi ek aadmi wahan se nikalta hai, jiske dono pair nahi the. To wo किसी सहारे से, किसी तरह से वो अपने आप को अपनी बॉडी को उधर से ड्रैग कर रहा था. एंड दैट गिव्स हर दिस रियलाइजेशन दैट मेरे पास तो शूज ही नहीं है, बट दिस पर्सन डजंट हैव लेग्स, है ना. तो दिस इज जस्ट अबाउट द सिनेरियो, दिस इज जस्ट अबाउट योर व्यू पॉइंट. एंड बिलीव मी गाइज, देर इज नथिंग कॉल्ड राइट, देर इज नथिंग कॉल्ड रॉन्ग इन आवर लाइव्स. हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है. सो प्लीज इतने बड़े बड़े जो हम डिसीजंस ले लेते हैं, इसके पीछे मत जाइए कि क्या सही है और क्या गलत है, स्ट्रांगली सही है या स्ट्रांगली गलत है. डू नॉट गो बिहाइंड दिस. सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना जरूरी है कि इट इज वॉट इट इज, एंड वॉट एवर इट इज गुड फॉर मी. जो भी है, जैसा भी है, वो मेरे लिए अच्छा है. क्या होगा, हाउ दिस विल हेल्प यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर देयर इन अ वेडिंग एंड यू हैव अ लेविश बफे सर्व्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आप किसी शादी में जाते हैं और आपके सामने बहुत बड़ा
खाने का बफे लगा हुआ है, ठीक है। अब आप सोचते हैं थोड़ा, शुड आई टेस्ट पानी पूरी ऑल्सो, शुड आई ईट सम इडलीज एज वेल, शुड आई गो टू द डोसा शॉप, और शुड आई गो टू द मेन कोर्स, या फिर मुझे सूप लेना है या कुछ स्वीट खाना है। यू हैव लॉट ऑफ यू नो ऑप्शंस अवेलेबल, बिकॉज ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस यू बिकम कंफ्यूज्ड। हियर वी नीड अगेन टू सेंटर आवरसेल्व्स। नाउ सेंटरिंग अगेन brings you close to the simplicity. ये जो हम सेंटर करते हैं, और जब हम सेंटर होते हैं तो हम सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हैं। सिंप्लिसिटी मीन्स इफ यू हैव फाइव ऑप्शंस यू विल चूज टू और वन। ओके, तो आई मीन दैट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अब इसमें भी दाल चावल रोटी सब्जी भिंडी की सब्जी आलू की सब्जी, लाइक तो हमको डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, राइट। यू प्रशांत यू हैव सेड राइट, मेरा सिर्फ इतना मतलब है, वॉट आई मीन टू से, डू नॉट बी जजमेंटल, बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना है, बहुत बोल्ड वर्ड सही और गलत किसी के लिए नहीं बोलना। एक सिंपल सिंपल सा इंस्टेंस, एक सिंपल सा वर्ड, योर वर्ड मे डिस्टर्ब अदर्स इमोशंस ह्यूजली, दे कैन इम्पैक्ट ऑन देयर पर्सनैलिटी, राइट। तो कभी भी हमको ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हम हर्ट करें। एंड फॉर अस ऑल्सो, प्रैक्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। सबसे पहले ये हमें अपने आप से शुरू करना है। खुद को हमें कभी नहीं डांटना है, खुद को हमें कभी नहीं फटकारना है। डू नॉट स्कोल्ड योरसेल्फ, जस्ट से इट्स ओके, ह्यूमन, यू नो यू हैव हर्ट दिस, टू अर इज ह्यूमन, राइट, टू फॉरगिव इज डिवाइन। गलती करना इंसान का नेचर है और माफ करना भगवान का नेचर है, राइट। तो साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट दिस। अभी मैं बहुत सारे फॉर्मूलाज या बहुत सारे आपको, आई एम नॉट टेकिंग यू इनटू द डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट विच इज रिलेटेड मोर टू योर बायोलॉजी, विच इज रिलेटेड मोर टू द कैलकुलेशंस। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हमको पहले सिंप्लीफाई होना है। सिंप्लीफाई होने से हमें जो चीजें समझ में आती हैं या लाइफ को जिस तरह से हम एम्ब्रेस करते हैं, सो वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजी, राइट। वेरी करेक्ट, आई अग्री विद यू सुनील। सो वॉट आई वॉज टेलिंग, सिंप्लिसिटी, फ्रॉम सिंप्लिसिटी यू कम टू एटीट्यूड। Now, which kind of attitude? Attitude is your thing which you take towards any act. किसी भी भाव से जब हम किसी काम को करते हैं, that is attitude, right? So this feeling, you must have the feeling of joy, you must have the sense of responsibility. तो ये जब आपका attitude होता है, and without expecting much out of that act. अभी हमारे साथ क्या है, we all travel with a heavy baggages on us. हम सब चल रहे हैं, हम सब लाइफ की जर्नी में ट्रेवल कर रहे हैं, पर हमारे पास बहुत भारी सामान है। अब हमें बहुत लंबी ट्रिप पे जाना है, तो सबसे पहले हमें सामान कम करना चाहिए। वी नीड टू रिड्यूस आवर लगेज, राइट। ट्रैवल लाइट डियर, आप सबको एकदम लाइट ट्रैवल करना है। इसने ये कहा, इसका बैगेज उतार दो वहीं पे, उसने वो कहा, उसका बैगेज उतार दो वहीं पे। ट्राई टू बी योर सेल्फ, ट्रैवल लाइट विद द राइट एटीट्यूड, इन द सेंस that something that gives you happiness, fine. There is no harm asking for help. आज हम ये discussion कर रहे हैं और मुझे जितना बोलने का मौका मिल रहा है उससे ज्यादा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। Why? Because that's how life takes us ahead, है ना। हमें रास्ते में ऐसे ही आगे बढ़ना है। जब आप सबसे मैं सुन रही हूँ तो मुझे आई एम फीलिंग कनेक्टेड, दो वी आर सेटिंग इन डिफरेंट सिटीज, मे बी डिफरेंट कंट्रीज, बट वी आर स्टिल कनेक्टेड। तो वी आर सीकिंग each other's help, right? We are seeking for this. तो हमको यही करना है, एक दूसरे से हमेशा हमको मदद मांगनी है। मदद मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, अपनी बात रखने वाला कभी छोटा नहीं होता। We must ask for help, we should share, and we must extend our hands for help. हमको दूसरों की मदद करनी है। And this course is a very good medium to help others, to help yourself as well as to help others. साइकोलॉजी के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, यू आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी, राइट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, से यू नो, लर्न टू से नो। एज वी हैव डिस्कस सो फार, तो आपको ये पता है, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चीजों में लोग जजमेंटल होंगे, आपको सही या गलत कहेंगे, तो आप फर्मली अपनी बात रख सकते हैं, पोलाइटली बट फर्मली,
यू हैव टू लर्न टू से नो फॉर समथिंग विच इज नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, फॉर समथिंग जो विच इज नॉट यू नो योर कप ऑफ टी. तो कुछ ऐसा जो आपको लगता है आपके हिसाब से सही नहीं है, कुछ ऐसा जो आपको लगता है मुझे खुशी नहीं देता या मेरे अपनों को खुशी नहीं देता, यू कैन इजिली से नो. जरूरी नहीं है दैट यू बिकम अ डॉक्टर, यू बिकम एन इंजीनियर, यू बिकम अ होम मेकर, यू बिकम द आई मीन देर इज नो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड, आपको सोचना है कि मुझे क्या खुशी दे रहा है और मेरे अपनों को क्या खुशी देगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा होगा फ्लाइट में, ट्रेन में, सब जगह होता है कि हेल्प योर सेल्फ देन हेल्प अदर्स. सबसे पहले हम अपनी मदद करें तब फिर हम दूसरों की मदद कर पाएंगे. तो पहले हमें अपने दिल की आवाज सुननी है, राइट. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चॉइसलेस अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब हम क्या समझते हैं, जस्ट टू थ्री रिस्पॉन्सेज आई वुड लाइक टू हैव. व्हाट इज द अवेयरनेस, हम क्या समझते हैं अवेयरनेस से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड अवेयरनेस. प्रेजेंट में रहना, नोइंग व्हाट वी डू, स्टे कनेक्टेड विद इन आवर सोसाइटी. ओके ओके फाइन फाइन. सो आई अग्री विद ऑल ऑफ यू, आदर्श, भावना, मोनिका, अभिजीत, वेर वी पे आर अटेंशन. फाइन फाइन. नाउ वी शुड ट्राई, वी हैव कॉम्प्लेक्स्ड अवर लाइफ सो मच. हमने अपनी जिंदगी को बहुत उलझा लिया है. जो बात हुई थी ना ट्रेवल लाइट की, जगह हमने बहुत भारी सामान रख रखा है अपने शोल्डर्स पे, अपने हाथों में, अपने पैरों में. मतलब वी आर ऑल यू नो कॉट अप इन वन और दी अदर चेन्स. तो सबसे पहले हमको चॉइसलेस अवेयरनेस में जाना है, जिस विच इज अगेन रिलेटेड टू सिंप्लिसिटी. इफ यू सी एंड द फर्स्ट पॉइंट, इट इज वॉट इट इज. सो चॉइसलेस अवेयरनेस इज, इट इज वॉट इट इज. जो है उसी में यू हैव टू पे वे फ्रॉम दैट ओनली. तो पहले हम उस पे जाएं, अपनी अवेयरनेस जो हमारी है उसमें हम बहुत सारे चॉइसेस ना रखते हुए यू बिकम चॉइसलेस एंड देन यू सी आपका पर्टिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. व्हाट आर योर कॉम्पोनेंट्स, व्हाट आर योर कंटेंट्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से फॉर मी इट इज हेल्पिंग अदर्स, for me it is love, for me it is care, right, and for me this is the pathway to my successful career, the love, the care and the helping hand, extending helping hand to others. मेरे लिए मेरा सक्सेस का रास्ता कहां से होकर जाता है, मेरा प्रोफेशनल सक्सेस है या जो मेरी पहचान है वो जाती है दूसरों को मदद करने से, मिलती है मुझे दूसरों को लव देने से और दूसरों के साथ हेल्प करने से, राइट. आपके लिए वो क्या पॉइंटर्स हैं जिससे आपको लगता है कि आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल होंगे, कैन यू प्लीज शेयर ऑल मींस व्हाट एवर आई सेड दोज ऑल और यू हैव योर ओन पॉइंट्स. सुनील, हेल्प. Hi, Ravi. Okay. Service for self and others. Okay. Those all you have said. Okay. Okay. So I don't say ki I am involved into flattering. I am involved into, you know, jo hum kehte hain ki aap chaplusi kar lijiye. I am involved into making of money so much at any cost. I am involved into. So, हम सबके चॉइसेस अलग हैं, हम सबके रास्ते अलग हैं, लेकिन बिलीव मी आपका जो रास्ता है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उससे आप अपना रास्ता बनाएंगे एंड दैट स्ट्रेंथ विल ब्रिंग सक्सेस फॉर यू एट योर डोरस्टेप. ठीक है, तो हमको अपनी सक्सेस के लिए, अपना रास्ता बनाने के लिए अपने स्ट्रेंथ को बिलीव करना है एंड हमारा स्ट्रेंथ अगेन पॉइंट वन पे आता है, इट इज वॉट इट इज. राइट निहारिका, वेरी वेल सेड. Being kind, happy, spread love and happiness. That's true, true. So, जितना ज्यादा हम जितने choices करेंगे कम होंगे, life उतनी easy होती है. Yeah, very good PK. So, this is all we need to discuss here. We are opening up. From my session only, you can, you know,
get this feeling that how much I care about others. If you will not offer me bread for one day, it's okay if my teammates are having it. And I know what I give, I get back. Hai na? Help karna rehta hun social work mein. Food, education, very good, Sunil. So this is what life takes us. And aaj mujhe lag raha hai ki ye session mein sare audience bhi wohi hai. Hum sab like-minded hai. See the miracle what we manifest, you know. Jis tarah se hum sochte hai, hum jo manifest karte hai, that happens. Right? So it is coming up in your responses as well. Okay, so we will come to the next slide. Up. There are various platforms where we anchor. Whenever you know you are break, you are broken by something, and when you feel kind of a broken heart, jab humko aisa lagta hamara dil toot gaya hai, or we are upset with something, or we need some, you know, comfort, we need some compassion. Jab hum bahar dekhte hain aur hame, I will simply say ki hame zarurat hai kisi ki. कोई हमें चाहिए जिस समय में, वो कौन सा मोमेंट होता है जहां हम एंकर करते हैं और हमारे लिए वो क्या है, राइट? सो आई हैव गिवन सम ऑप्शंस कि आपके लिए क्या है. किसी के लिए वो अपनी माँ की गोद होती है, दैट्स अ लैप ऑफ मॉम. किसी के लिए शोल्डर्स है सिबलिंग के. किसी के लिए रोना चिल्लाना होता है, क्राइज है. किड्स हो सकते हैं, सर्वेंट्स हो सकते हैं, ब्रेकिंग. तो आपके लिए वो क्या है, वॉट इज योर प्लेटफॉर्म टू एंकर. ओके, इट इज राइट वॉट वी आर थिंग दैट इज हैपन मोस्टली माई मदर. Other activities like gym and dance, fine. Lap of mom and talk, correct. Okay. Okay, fine. So it can be anything. Like the one has rightly described here that it is gymming or dancing or something, because exercises are always a stress buster. Isliye listener hun. Okay. Crying, having a bath. Okay. Think positively in right way. My family. Meditation. Fine. So you all agree that we need somebody, we need something to express ourselves, to gather some strength. Ye sab hum kyun karte hain? Humko kyun koi chahiye hota hai? Because we want some help. So we think positive in right way. Prashant, right? Okay. तो हमको चाहिए है कोई, वी नीड somebody और समथिंग एट दैट मोमेंट व्हेन वी फील वीक. और क्या कोई और जो हमें मिलता है वो इससे निकालता है? व्हेन यू आर देयर एंड यू आर क्राइंग, यू आर लाइंग नेक्स्ट टू योर मॉम, मे बी शी इज स्लीपिंग, शी इज नॉट अवेयर दैट यू आर क्राइंग, राइट? एंड यू आर हाइडिंग एज वेल, एंड शी डजंट कम टू नो, एंड बट यू आर रिलीव and you are relaxed. By the time she'll wake up, you'll be okay. Does it happen? Like Monica said that while taking shower, she cries. So this is the moment where we express ourselves and we need something, but in actual, it is only me time which we are giving to ourselves. हम सिर्फ अपने आप को समय दे रहे होते हैं और हम किसी का जरूर साथ लेते हैं, लेकिन वो साथ उनका है या नहीं भी है, हम खुद को हील करते हैं. Right? It is only we. Right? हम खुद अपने ऊपर काम करते हैं. Do you all agree? Yes or no? Yes. Okay. So, correct. But it is true that we need a listener. हमको कोई चाहिए होता है उस समय जो सुन ले. The one who can actually listen to us. We do not need any advices. We don't look for any solutions. We just need that somebody should allow us to be empathy from inside. है ना? हमको उस समय सिर्फ किसी ऐसे की जरूरत होती है जो हमें हमारी बात खाली करने दे, हमारा travel easy बना दे, हम light हो पाए, हम अपनी heaviness रख पाए. That's it. We need. हमें कोई solution नहीं चाहिए होता है, हमें उनसे कोई suggestion नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ अपने आप को खाली करना होता है. So this is what which I expect from you all, that whenever such situation comes, you be that listener, you be that support, you be that vacuum where they can just put their weightage down, right? And one more very wonderful thing which we have with us, we are blessed with, that is journal entries, diary writing. You all should adopt this habit of diary writing.
ये अगर हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली में, अपने स्पाउस को, अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क, इफ यू कैन प्रमोट दिस, सो दिस इज द फर्स्ट टेक अवे फॉर यू ऑल फ्रॉम दिस सेशन, दैट स्प्रेड दिस हैबिट ऑफ डायरी राइटिंग टू ईच वन एंड एवरी वन यू नो. राइट, व्हाट्स द नेक्स्ट स्लाइड? आई थिंक आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. ओके, सो दीज आर द प्रोबेबल आउटकम्स which you can see on the screen, and in which I will just like to tick up strength. I have already told you, jo weakness hai, wahi aapka strength bhi hai. Jo strength hai, wahi aapka weakness bhi ho sakta hai, depending upon the situation. Right? Suppose somebody is very strong, lekin koi aisa point hota hai jab wo strong feel nahi karta. When he feel weak, you know, he may feel weak, you know, it doesn't mean ki wo strong hai, to aap hamesha har situation mein soche ki yaar ye deviate nahi hona chahiye, ye pareshan nahi ho sakta, are tum to bade strong the, tumhe kya hua. Strong person can also be a weak from inside, you know, depending upon the situation. So never judge anyone, instead support them. So, and one more thing which I would like to, you know, stress upon is heartfelt communication. Aapne suna hoga non-violent practices. Here I am pitching for non-violent communication. आपकी बातचीत में कोई भी ऐसा वर्ड ना आए, there shouldn't be any word which is hurting or which may hurt others, right? सुंदर खूबसूरत शब्द बोलने की कोशिश करिए, बहुत अच्छी लैंग्वेज, प्यार भरे बोल बोलने. So I think guys, due to some disturbances we had this session, you know, little bit in a zigzag way, but that's how life is. Or aaj God has also supported us to experience this live workshop, you know, where we have lot of problems at the end of the technology. So that's how life goes on. To hamare jo jeevan mein aaj humne dekha ki is workshop ke dauran hi kitni baar hame signals ki problem hui aur हमारा कनेक्शन लूज हुआ, बट स्टिल हम कनेक्टेड रहे बिकॉज हमें सीखना था, हमें आगे बढ़ना था साथ में, एंड इसको हम आगे कंटिन्यू कर पाए. राइट, तो दैट्स हाउ लाइफ टेक्स अस, एंड यही मेरा आप सबको शेयर करना था और समझाना था. नाउ आई विल टॉक अबाउट दी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स विच वी हैव. हमारे पास में वी हैव सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स ऑफ साइकोलॉजी पर्टेनिंग टू पर्टिकुलर कैटेगरीज, है ना. इफ यू आर एक्चुअली विलिंग, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, एंड और यू एल्स आई विल ड्रॉप माई नंबर इन द चैट बॉक्स. यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप ऑल्सो, एंड यू हैव कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एज वेल ऑन द स्क्रीन. सो नो नीड टू हैव द नंबर्स, नंबर्स आर डिस्प्लेड देयर, सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दीज नंबर्स. वी हैव सर्टिफिकेट कोर्सेज, वी हैव सम यू नो डिजाइंड कोर्सेज पर्टिक्युलरली फॉर पर्टिक्युलर सेट ऑफ needs, which is in the form of diploma courses, which is in the form of degree courses and PG as well. So there are lot of stuff available for everybody. There is no age bar. कोई भी छोटा बच्चे से लेकर के बड़ा व्यक्ति तक इसको कर सकता है. छोटा इन द सेंस मतलब 10th onwards ही है. 10th क्लास के बाद से सर्टिफिकेट कोर्सेज में आप ऑप्ट कर सकते हैं. कॉलेज गोइंग है तो आप डिग्री में कर सकते हैं. आप इसको एज अ स्किल सेट भी ले सकते हैं. तो जस्ट एज अ स्किल पेपर ऑल्सो यू कैन गो फॉर साइकोलॉजी. यस, मास्टर डिग्री इज ऑल्सो अवेलेबल. चाइल्ड साइकोलॉजी डिप्लोमा इज ऑल्सो अवेलेबल. एंड फॉर फी एंड अदर डिटेल्स, यू नो, यू हैव द नंबर्स ऑन स्क्रीन. तो इस पे आपको वन टू वन सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. एंड बिलीव मी गाइज, इट इज ऑल अफोर्डेबल. कोई बहुत पॉकेट पे हैवी कोर्सेज नहीं है. दिस इज यू नो एज वी ऑल हैव टू इवॉल्व कलेक्टिवली, सो दिस इज फॉर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट, बट येस इट विल बी अवेलेबल इन द कमिंग ईयर, नॉट पर्टिकुलरली दिस. मीडियम इज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, वट एवर इज कन्वीनियंट टू यू. Okay, so I think that's all from my side. I wish you all a happy day and a happy year ahead. And be your own self. Be in your own spirits. Be happy. Love yourself. Admire yourself. And much, much love to all of you. Thank you so much. Over to you, Arunima. Thank you. So you people can actually note down the numbers, take screenshot. Whatever doubts you have, you can directly call on these numbers.
You can also visit our university. The address is displayed on the screen. It's on Narmadapuram Road. If you have seen Best Price, it's just very nearby to the Best Price. Also, we'll have a Q&A session. So anyone who has doubts, we can... So for somebody who has asked about the fee part, I have written here that discounts are there and scholarships are also there. So not to worry much about it. Okay? Now, if you have any doubts, you can ask the questions, or even if you want to talk, like directly have questions, we can unmute you one by one and you can directly ask the questions. Duration about the course. Minimum of 6 months. Haas. 6 months is start hoga and then PG is for 2 years. Graduation degree course is for 3 years. Diploma courses are ranging from 6 to 1 year. And PG diploma for 2 years maybe. So there are different program lengths are available. Also, depending upon your need. Also someone is asking if it is an online course or an offline course. Yeah, it is available both ways. Okay. And clinical psychology degree? Digitally also it is available. Someone is asking. Yes, we do have. Clinical psychology? Yes, clinical psychology we have. Okay. Certificate? Yes, certificate of course you will get once you complete the course, I think. Yes. Any other questions? Minimum is of 3 months course. Fees and brochures, you can come visit the university. Fee structure, they are asking. Yeah, that only you will, once you will be here or through our websites also, you can get some information. There are bot chats available. There are many people assisting you. So there you can talk one-to-one. Because it's a varied program. Clinical psychology, not in Hindi at present. But yes, in the coming year, it will be. Like from 24 onwards, you'll get. So I think it's 2-3 months, matter of 2-3 months. After that, you will get the admission in Hindi language as well. So anyone has any other questions? Otherwise, we'll quickly wrap up the webinar. So I don't think anyone has any questions. So we can just finish off. All right. Okay. Once again, thank you so much. Thank you so much. Have a good day.